तो हम लोग अभी टेलोमेरेज एक्शन इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 है। और जो प्रीवियस लेक्चर था उसी से बातों को आगे बढ़ाते हैं कि जो टेलोमेरेज है, अपना इसका आरएनए होता है, मैं इसका स्ट्रक्चर से बनाते हैं, ठीक है भाई। देखो ये जो है ना, ये प्रोटीन का ऐसा एक लबालुबाव हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो दिस इज टेलोमेरेज। फाइन, ये स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा या कुछ और स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा? मैं थोड़ा हल्का कलर लेता हूँ। हाँ अभी ठीक। सो दिस इज टेलोमेरेज, ये जो आप एक स्क्वायर देख रहे हैं, दिस इज टेलोमेरेज। और इस टेलोमेरेज में हमें क्या मिल रहा है? इस टेलोमेरेज में हमें मिल रहा है आरएनए। देखो आरएनए जब आप उनसे पढ़ेंगे तो आरएनए के बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी। ये हेयर पिन लूप कहलाता है, ठीक है। हेयर पिन लूप हो गया यहां से यहां, फिर ये, ठीक है। इसको हम लोग हेयर पिन, जो भी आप लोग पहले पढ़े होंगे वो तो जानते हैं, दिस इज आरएनए स्ट्रक्चर एंड दिस इज हेयर पिन लूप, ठीक है। इसमें ऐसे बेस पेयर्स होता है और वो लूप होता है, ठीक है। आप इसको सर्च करके भी देख सकते हैं। ये इसका 3' एंड है, ये इसका 5' एंड। So this is called endogenous RNA. Endogenous RNA हो गया। और ये जो हिस्सा है जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये इसका प्रोटीन पार्ट है, मतलब पूरा ब्लू जो है वो प्रोटीन पार्ट है। और अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस देख रहे हैं। तो 9 थे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बढ़िया। रीडिंग हम लोग 5-3 करते हैं। तो 5 से हम अरेंज करना शुरू करें, चीजों को लिखना शुरू करें। क्या था सीक्वेंस? TAA, CCC, एक सेट और फिर इसके साथ TAA, आधा सेट। अब देखो यहां लिखते हैं TAA, CCC, TAA, ये हो गया आपका एक टेलोमेरेज का स्ट्रक्चर। एकदम दिमाग में बच्चा लोग विद्यार्थी सब बिठा के इसको रखो, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। और अब ये मशीन हमारा तैयार है एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो हाउ डज इट वर्क, कैसे ये काम करता है, इसको अब हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में। सो बी रेडी टू अंडरस्टैंड। देखो क्या हुआ, सब लोग अच्छे से फॉलो करना, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं ले रहे ताकि हम दो स्ट्रक्चर बना सकें। और ये हमारा, ठीक है, बस यहां ये जो है कौन सा स्ट्रैंड है? लैगिंग स्ट्रैंड, दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड। उसका ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, मतलब जो नया स्टैंड बन रहा था वो है। यहां पर वो हो नहीं पाया चूंकि इधर प्राइमर हो नहीं सकता है। ये जो एंड है इसका वो है 5' एंड, और ये जो है एंड वो है 3' एंड। ये डीएनए का टेम्पलेट है, टेम्पलेट का ये 5' एंड है और ये 3' एंड। तो साइंस क्लियर कट कहता है कि अब यहां पर हमें आगे करना है। अब सब विद्यार्थी देखेगा कैसे काम होता है। ले आते हैं हम लोग इसको, डीएनए पॉलीमरेज को, टेलोमेरेज को ले आते हैं। अब देखिए टेलोमेरेज आके यहां पर आ गया, 5' को हटा दे अंदर से, पूरा हट गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ कौन आ गया? टेलोमेरेज। और इस टेलोमेरेज में क्या है? टेलोमेरेज में समझ ही गए हो सब लोग, सब लोग मेरे साथ डायग्राम बनाना है, याद है मेरे साथ पढ़ना है। अगर ऑनलाइन तो आपको साथ में क्या करना है? साथ में आपको भी अपने कॉपी कलम में इन सब चीजों को लिखना है। 3, 5, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, पॉइंट टू बी नोटेड, 1, 2, 3। वो जो 3 सीक्वेंस है सिर्फ
वही बाहर रहेगा। अच्छा, हम तो उल्टा डायग्राम बना दिए हैं, हमारा तो 5 डैश ही बाहर हो जाएगा, पर डायग्राम में अंदर में बदलाव कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा अंदर में बदलाव करना। देखो क्या होता है ना कि डायग्राम्स जो होते हैं ना, वो बताता है कि आपकी समझ कितनी अच्छी है, आपने चीजों को समझा या नहीं समझा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अभी डायग्राम हमको लेना पड़ेगा क्या? अभी डायग्राम में हमको 5 डैश इधर लेना पड़ेगा, तो हम ले रहे हैं 5 डैश। ये आ गया ये, ठीक है। अब उतना कौन बनाएगा, हर बड़ी मथुरा डायग्राम बना, ये 3 डैश एंड ये 5 डैश एंड, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। अब यहाँ जो 1 2 3 है, ये 1 2 3 कौन सा है? टी ए, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही इस पर असेंबल हो गया, अपने इसने जो अपना इसका टी आर एन ए है, इसका अपना जो आर एन ए है, उस आर एन ए से उस पर सेट हो गया। अब सेट होने के बाद क्या हो गया, ये खुद ही पॉलीमरेज का भी काम कर रहा है, तो इसने यहां पर एक ये मूव करना शुरू कर दिया। देखिए ऐसे मूव करना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे मूव कर रहा है, हम यहां पर एक ग्रीन कलर का आपको सेगमेंट बना रहे हैं। वैसे 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 पहले 3 का उसने रेप्लिकेशन किया, और फिर 6 का और आगे। सो एकदम अच्छे से मैं इसको वो बढ़िया से एक डायग्राम बना के समझा रहा हूं। पहले 3 का रेप्लिकेशन किया, देखो व्हाइट लाइन, 3 को यहां सेट किया, और 6 के लिए फिर से इसने एक सीक्वेंस यहाँ पर 3 4 5 6, मतलब ये आगे बढ़ चुका है, आगे बढ़ चुका है। तो इस डायग्राम को हम यहां से हटा देते हैं और इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो अच्छे से बाबू देख, अभी तो चूंकि मैंने डायग्राम में छोटा सा एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम रखा है, देखो ये 3 कर लिया और यहाँ गौर कर रहे हैं सब लोग। फिर से क्या हो गया, अब उतना हम घुमा चकड़ी नहीं करेंगे, हम सीधे हम ऐसे घुमा दे रहे हैं, 1 2 3। फिर से यहां पर आ गया टी ए, सॉरी टी ए ए, और ये जो नीचे आप देख रहे हैं, चूंकि मैंने छोटा बनाया था इसलिए आप बोलते होंगे कि आनंद से तो छोटा बना दी, नहीं सपोज करो इतना न्यूक्लियोटाइड, मतलब इतना बड़ा है इशू, आप समझ रहे हो। फिर क्या हुआ, फिर इसने एक नया सेगमेंट यहां से सिंथेसिस करना शुरू किया, देखिए, और फिर 6 ठो आगे बढ़ा दिया, ऐसा ही होता चला जाता, और ये धीरे धीरे एक एक करके, एक एक कदम करके ये हट रहा है, जो पॉलीमरेज है ना वो एक एक कदम करके वहां से हट रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक बढ़ाएगा, एक बढ़ा, एक एक कदम, एक कदम टेलोमरेज, एक कदम ये, तो आप देखिए अब फिर से क्या हो गया, फिर से ये हो गया कि टेलोमरेज आगे पहुंच गया, और जब ये आगे पहुंचा तो 3 और फिर साइंस जो होता है ना, उसमें घटनाओं को समझना बहुत जरूरी होता है। बढ़िया, 5 डैश 3 डैश, इन सब चीजों पर भी ध्यान रखना, टी ए ए, और इस प्रकार से धीरे धीरे क्या करता है, जो जगह गैप हो गया था उस जगह पर इसने अपना एक नया सिंथेसिस प्रारंभ कर दिया। देखिए ये हो गया एंड रेप्लिकेशन, जो गैप था उस गैप को इसने भरना शुरू कर दिया। सो दिस इज द वे, दिस इज द अप्रोच ऑफ द एक्शन ऑफ टेलोमेरेज टू सॉल्व द एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। नाउ वी आर वॉचिंग characteristics of telomerase. Telomerase एक यूनिक है, तभी ना आपके telomerase के एक्शन पढ़ने पर विद्यार्थी के दिमाग में क्या होता है, जो डीएनए polymerase का कॉमन काम करने का तरीका है उससे ये अलग काम करता है, तो कई बार उसके साथ वो कंपेयर करते रहता है, करे वो ऐसे किया, ये ऐसे कैसे कर दिया, यही चीज यहां पर होता है। तो characteristic में बोलते हैं सबसे पहला पॉइंट उसको यही बोलेंगे, नोवेल डीएनए पॉलीमरेज, पहला इसका ये कैरेक्टरिस्टिक है।
ठीक है। दूसरा है इज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन एंजाइम, एंजाइम मतलब आरएनए प्लस प्रोटीन इसके पास होता है। इस प्रोटीन को भी क्या कहते हैं हम लोग, एंडोजिनस, एंडोजिनस सॉरी एंडोजिनस आरएनए होता है इसके पास। तीसरा पॉइंट इसके बारे में हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरा बोलते हैं कि डज नॉट नीड एनी एक्सटर्नल आरएनए प्राइमर, इसको कोई भी एक्सटर्नल आरएनए प्राइमर की जरूरत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, ये आरएनए डीएनए हेलिकेज के रूप में भी काम करता है, आरएनए डीएनए हेलिकेज एक्टिविटी मतलब अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग का काम ये करता है। तो इसमें ये खास बात होती है और इस तरह से लगभग 200 से 400 रिपीट्स तक ये टेलोमेर का निर्माण करता है। तो एक लास्ट पॉइंट जो इसमें लिखेंगे, पांचवा पॉइंट होता है कि इट फॉर्म्स टेलोमेयर ऑफ क्रोमोसोम। टेलोमेयर जो है मेयर, टेलोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का यह टेलोमेयर बनाता है, क्रोमोसोम का टेलोमेयर बनाता है। 200 टू 400 रिपीट्स होते हैं टेलोमेरेज रिपीट एक्शंस, ठीक है। 200 से 400 टेलोमेरेज रिपीट एक्शन ये शो करता है। सो दिस इज द कॉल्ड द रोल ऑफ टेलोमेरेज एक्शन, करेक्ट।